आप यहाँ? बाबा बाबा हाँ हाँ ठीक है, सो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से सुलाया मैंने उन्हें। तू कैसे हैंडल करती है? बिल्कुल बच्चे बन गए हैं मन भाई। वो तो है। अच्छा तू चल मेरे साथ। कहाँ? तू मेरे गाड़ी में बैठ, एक सरप्राइज देना है। सरप्राइज? क्या कर रहे हैं? सरप्राइज। दीक्षा, दीक्षा बात तो सुनो। दीक्षा स्मोक, तेरी लाइफ बड़ी हैपनिंग। आशीष शूटिंग पे गया है कश्मीर। तुम्हें पता था? तुम्हें पता था और तुमने मुझे बताया नहीं? तुमने पूछा नहीं दीक्षा? पर लेकिन अगर दीक्षा, अब क्या कांड किया तेरे पति ने? वही पुरानी बीमारी शक। केतन भाई, इनसे पूछो कि ये दीपिका कौन है? कौन है? तुम्हारी बहन को ये लगता है कि मैं हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता हूँ। हाँ। दीक्षा ऐसा नहीं है, ये हर लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं करता। हाँ सुन लिया, सिर्फ चुनी हुई लड़के से फ्लर्ट करता। केतन भाई, भाभी, भाभी देखो ना, भाभी। क्या हुआ? भाभी देखो, देखो ये दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप लोग क्यों इस बेचारी के पीछे पड़े रहते हो? अरे उड़ाना ही है तो पतंग उड़ाओ, इस बेचारी का मजाक क्यों उड़ाते हो? अच्छा क्या जोक मारते हो तुम? देखा देखा भाभी। दीक्षा मेरी बात सुनो, तुम क्यों शक करती रहती हो इस पे? तुमने देखा है इसको? तुम्हें लगता है इस पे कोई लड़की लाइन मार सकती है? क्या मतलब? समझा कर। देखो दीक्षा, ये अकाउंटेंट है, इसको डेबिट और क्रेडिट के अलावा कुछ दिखता नहीं है। बेचारा बात ऐसे करता है जैसे शेयर मार्केट में भाव लगा रहा हो। और सबसे बड़ी बात, ना इसके पास अकल है, ना शक्ल है, ना बॉडी, ना कॉम्प्लेक्शन। ओ बचा रहे हो कि उड़ा रहे हो, क्या कर रहे हो? शांति 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 शांति, आप लोग शांति से बैठिए। तुम इधर रोक लेते सब तुम्हारी वजह से। आप ही ना, घर के जमाई से कोई ऐसे बात करता है क्या? और ये माँ कहाँ है? माँ हेमंत काका को हॉस्पिटल में देखने गई है, मैं चाय लेके आती हूँ। ये हेमंत काका को क्या हुआ है? भाभी! हेतल, हेतल आंखें मिला लो, मिला लो, जो तोड़ा है उसको देखो। माँ! कैसी है मेरी माँ? अच्छी। तो कैसी है? अब ठीक हो। नीला, नीला, कहाँ थी तो इतने दिन? हाँ, और अब आ रही है। चलो पहले अंदर चलो। एक मिनट। क्या हुआ आंटी? एक मिनट। हरी, नीला इस घर में बहुत बार आई है, लेकिन आज नीला इस घर की दहलीज नीला पारिक बनकर नहीं, बल्कि नीला पारिक मेहता बनकर पार करेगी। मैंने और हेमंत भाई ने यह फैसला किया है कि हम आशीष और नीला की शादी करेंगे, इसीलिए आज से ही नीला इस घर की बड़ी बहू है। आज से तो मेरे गले लगेगी। तो फिर ठीक है, आज से मैं आपको आंटी नहीं माँ कहकर बुलाऊंगी। मिलो सर। माँ आपने ये बहुत अच्छा किया, आज से हम नीला को नीला भाभी बुलाएंगे, है ना? देखिए मुझे पहलगाम वाली नदी का ही लोकेशन चाहिए। आपको ठीक लगेगा अगर वो लोकेशन बदल दे? आशीष जी आप समझने की कोशिश कीजिए, वहाँ पे अभी मौसम खराब है, इसलिए हम ये सीन इंडोर करना चाहते हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं। आशीष जी मैं तो इनकी बातों से सहमत हूँ। आप राइटर से प्रोडक्शन वाले कब बन गए?
अब मेरी बात सुनिए तौफीक जी, सीन क्या है? मेरा कैरेक्टर खड़ा है और कहानी के उस मोड पे खड़ा है कि वो अपने आप से पूछ रहा है क्या मैं जो भी अभी तक कर रहा था वो सही था कि नहीं, क्योंकि इसके बाद कैरेक्टर का ग्राफ बदल जाता है। मेरे इस कैरेक्टर का अकेलापन तभी दिखेगा जब ये सीन आउटडोर में रहेगा, जब हम वाइड जाए। असमुख मैं बिजी हूं, तुझे कॉल करता हूं। मुबारक हो, सुना तूने शादी के लिए हां कर दी। एक्सक्यूज मी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बकवास किया जा रहा है? पक नहीं रहा हूं, सच्चाई बयान कर रहा हूं। नीला से तेरी शादी पक्की होने की खुशी में घर पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। मैंने तो हाँ नहीं की। तो मना किया? बोल। नहीं ना, तेरी हमेशा से यही प्रॉब्लम रही है आशीष, जब भी तुझे कुछ कहना होता है चुप हो जाता है। यार 11 साल से मैं तुझे बार बार कहता हूं, माँ को अपनी और आशा के बारे में सब कुछ सच सच बता दे। अब बहुत देर हो चुकी है, कल 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 करता रहे। माँ अब नीला को घर तक ले आई है, बड़ी बहू की आरती उतारी जा रही है। आशीष, आशीष, आशीष जी, बात का डिस्कशन कल कर लें। कल क्यों तौफीक भाई? कल बेटर होगा। कल क्यों, आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? और तुझे, और तुझे मैंने समझा के रखा कि इस तरह की मीटिंग्स के पहले सबको समझा के रख के पिक्चर में हर एक सीन क्यों है। अबे लोकेशन के हिसाब से पिक्चर बनाओ, सीन के हिसाब से पिक्चर बनाओ। आप लोग जाइए, प्लीज जाइए, अकेला छोड़ दीजिए मुझे।